मित्तल ग्रुप के करों पर दूसरी तरफ से हमला किया जा रहा था, दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। कार के अंदर के सब घबरा गए थे, किसी को अब क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर थोड़ी देर लगाए ऐसे ही उनकी कार पर फायरिंग होती रही तो थोड़ी देर बुलेट कार के अंदर आ जाती। बॉडीगार्ड की कार हर्षवर्धन और फॉरेन क्लाइंट की कार को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर वे बेहद कम थे और बाहर से जिस तरह से गोलियां चल रही थी उस हिसाब से बाहर बेहद ज्यादा लोग थे। अनाया अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज सेंड करती है, उसके मैसेज करने से 2 सेकंड बाद ही आसमान में 5 चोपर नजर आते हैं। उसी के साथ मित्तल ग्रुप की कार को बेहद सारी ब्लैक कार घेर लेते हैं और जहां से गोलियां चली जा रही थी उस तरफ फायर करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद आसमान से भी फायर होने लगता है, जिससे दुश्मन धीरे धीरे कम हो रहे थे। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कार में बैठे किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि बाहर आखिर क्या हो रहा है, पर हर्षवर्धन जी को सब समझ आ गया था। ये सब उनकी बेटी की करतूत थी, जिसकी वजह से ही वो आज जिंदा बचे हैं, नहीं तो आज उनके साथ क्या होने वाला था, ये सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती है। मित्तल ग्रुप की करों को उस जगह से सेफली निकाला गया। उनको कड़ी सिक्योरिटी के साथ मित्तल मैंशन तक पोहाचार ही उनको घेरे हुई ब्लैक कर और आसमान में चल रहे चोपर वहां से चले गए। अब तक हर्षवर्धन जी और हुए इस हमले और इस ब्रिज के गिरने की बात सबको पता चल चुकी थी। टीवी पर बार उसको टेलीकास्ट किया जा रहा था। जब इस न्यूज के बारे में मित्तल मेंशन में पता चला तो सबको हर्षवर्धन जी की बेहद चिंता हो रही थी। दादू और बड़े पापा हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, साथ में वो दोनों ही बार बार हर्षवर्धन जी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उनका फोन बंद आ रहा था। उन लोगों ने उनके साथ आए सबको कॉल किया, पर किसका भी कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए सबके चेहरे पर चिंता की लेकर दुख रही थी। दादी और बड़ी मॉम भी बेहद परेशान थी। ऊपर से जब दादी को उनके खास आदमी से पता चला अनाया दोपहर को स्कूल से हड़बड़ी में कहीं चली गई है, उसका पता नहीं चल रहा है, तो वो और भी घबरा गई थी। उनको अनाया की चिंता भी आता रही थी, साथ में अपने बेटे की भी, उनके बारे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तभी उनको बाहर बेहद सारी कार के रुकने की आवाज आती है और साथ में चोपर की भी, तो सब जल्दी से मेंशन से बाहर आते हैं। तो उनको अपने सामने कार से उतरते हुए हर्षवर्धन जी और अनाया और उनके साथ में ही फॉरेन से आए हुए क्लाइंट भी दिखते हैं। सबको सही सलामत देखकर सबकी परेशानी दूर हो जाती है। दादी आगे आकर अपनी पोती को गले लगा लेती है और अनाया को डांटते हुए कहती है, कहा गई थी अब पता है हम कितने परेशान हो गई, पहले हर्षवर्धन पर हमले की न्यूज और उसके बाद तुम्हारा लापता होने की बात, हमारी तो चिंता से जान निकली जा रही थी। बड़े पापा और दादू भी आगे बढ़कर हर्षवर्धन को गले लगाते हैं। वक्त की नजाकत देखकर अनाया अपनी दादी को संभलती है और उनको बाद में सब बताने को कहकर पहले अंदर चलने को कहती है। सबको भी वो क्यों अंदर चलने को कह रही है ये अच्छे से समझ आता है। सब जन मित्तल मेंशन के हॉल में आके बैठ जाते हैं। उनके साथ के बॉडीगार्ड को उनके कोट में भेज दिया गया था, उनमें से कई जन गाये हो गए थे तो उनकी रेस्ट और फर्स्ट एड की जरूरत थी, और वैसे भी अब वो सब मित्तल मेंशन में थे तो उनको अब किसी से डरने की कोई बात ही नहीं थी। यह की सिक्योरिटी बेहद टाइट थी, हॉल का माहौल बेहद जी गर्म था। सर्वेंट सबको पानी और साथ में चाय और कॉफी सर्व करते हैं। हर्षवर्धन जी फॉरेन से आए हुए क्लाइंट से कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं, तभी उन 4 फॉरेन क्लाइंट में से एक शुदा हिंदी में कहता है, मिस्टर हर्षवर्धन मित्तल आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पता लगा लिया है, ये सब आपकी और हमारी पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए हमारे और शायद आपके दुश्मनों का किया दारा है, बट यू डोंट वरी, हमारी ये डील इस एक हमले की वजह से टूटने वाली नहीं है। हमको आपका प्रपोजल अच्छा लगा और हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मिस्टर जॉनसन इतना कहकर थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर एक बार सबकी तरफ देखकर कहते हैं, आप लोग यही सोच
रहे हो ना, मुझको इस हमले के बारे में कैसे पता चला, ये सब किसने किया है तो आपको मैं पहले ही बता दूं। मैं अगर किसी के साथ भी कोई प्रोजेक्ट करने से पहले उसके बारे में हर एक जानकारी निकलता हूँ और उसके पहले ही मेरे आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वैसे ही आज मैं आपके साथ यह इस प्रोजेक्ट पर सिक्का मोड़ताब करने आया था। उससे पहले ही मेरे आदमी यह पर फैले हुए मेरी सिक्योरिटी के लिए और अभी उनका ही मैसेज आया था। उन लोगों ने कहा है कि ये मेरे दुश्मन ने आपके दुश्मन के साथ हाथ मिला के हमला तय किया था। उनकी बात सुनने के बाद मित्तल फैमिली के हर के मेंबर के चेहरे के भाव गहरे हो जाते हैं। एक के अंदर कुछ और हिंचल रहा था, ये किसी को भी पता नहीं था इस वक्त कौन क्या सोच रहा है। हर्षवर्धन जी कहते हैं, थैंक यू मिस्टर जॉनसन हम पर विश्वास करने के लिए, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए आप यही मित्तल मेंशन में ठहरिए, अभी के लिए आपका बाहर जाना सही नहीं है और आपके लिए मित्तल मेंशन सेफ जगह इस वक्त तो कोई नहीं है। उनकी इस बात पर जॉनसन सहमति जताता है। उसके बाद हर्षवर्धन जी बटलर को मिस्टर जॉनसन और उनके सताए उनके पीए असिस्टेंट और दो सबोर्डिनेट के उनका कमरा दिखाने को कहते हैं, साथ में उनकी हर एक जरूरत का ख्याल भी रखने को कहते हैं। बटलर अपनी मालिक की बात मानकर मिस्टर जॉनसन और उनके सताए और थ्री लोगों को उनका कमरा दिखा देता है। अब जो भी प्रोजेक्ट के बारे में बात होने वाली थी वो कल होने वाली थी। मिस्टर जॉनसन के हॉल से जाने के बाद दादू सबको अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करने की कहते हैं। जिसको जो भी सवाल है वो सब मिस्टर जॉनसन के ये से जाने के बाद उस पर बात करेंगे, ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। उनके साथ ही बाकी के फैमिली मेंबर भी अपने अपने रूम में चले गए थे। न्यूयॉर्क एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर एक कांच से बने हुए केबिन में एक लड़का अपना काम कर रहा था। वो बेहद ही सीरियसली अपना काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का गेट जोर से खुलता और कोई भागते हुए उसके केबिन में एंटर करके उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठता है। किसी के बिना परमिशन के ऐसे उसके केबिन में एंटर कर उसके सामने वाली सीट पर बैठने से उसको बेहद गुस्सा आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अभी जो काम कर रहा था वो साइड में करके अपनी गुस्से बारी आंखों से अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखने लगता है, जो कि दौड़ते हुए आने से अभी हाँफ रहा था। अपने सामने बैठे उसी की उम्र के लड़के को देखकर उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो जाता है। वो अपने सामने बैठे लड़के से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो लड़का उसके कुछ बोलने से पहले उस एसएस कुछ ऐसा कहता है, जिसे सुनकर उस लड़के के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लड़का अपने सामने बैठे उसी के उम्र के लड़के की बात सुनकर अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने केबिन में लगे कांच की खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। इस वक्त वो क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल था। थोड़ी देर ग्लास से बाहर देखने के बाद वो अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करके इंडिया के टू टिकट बुक करने को कहता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर अपनी ही किसी सोच में गुम अपनी उम्र के लड़के की तरफ देखकर कहता है, लव। वो लड़का जिसका नाम लव था वो दूसरे इलाके की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, जी भाई। सामने शीशे की खिड़की से टेक लगाकर खड़ा लड़का अपने भाई यानी लव की तरफ देखकर कहता है, हम अभी 2 घंटे बाद की फ्लाइट से इंडिया जा रहे हैं, तैयारी करो। उसकी बात सुनकर लव एक्साइटमेंट में कहता है, सच भाई हम इंडिया जा रहे हैं, आई एम सो हैप्पी भाई। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठकर अपने भाई के पास जाके उसको कस के गले लगा लेता है। उसका भाई उसको ऐसे बच्चे जैसे खुश होता देख उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी से उसे छुपा लेता है और अपने भाई को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों ही इंडिया जाने के लिए अपनी पैकिंग करने अपने विला के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि लव मित्तल और उसका बड़ा भाई यानी कि कुश मित्तल है। ये दोनों देवराज और सिया मित्तल के जुड़वा बेटे हैं। दोनों ही ट्विंस हैं। दोनों की जान अपनी छोटी बहन अनाया में बसती है। दोनों 3 साल
से अपने परिवार से दूर यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं। अभी जब उनको अपने चाचा के साथ हुए घटना के बारे में पता चल तो दोनों इंडिया जाने का ठान लेते हैं। वो दोनों इंडिया आ रहे हैं, इस बारे में किसी को भी पता नहीं है। इंडिया, मित्तल मेंशन। हर्षवर्धन जी अपने कमरे में आकर अपने कमरे में बने सोफे पे बैठकर किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। वो अपना फोन निकालकर अपने खास आदमी राका को कॉल करते हैं और उससे आज के इस हमले के पीछे कौन है उसके बारे में पता लगाने को कहते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वो वहां जाकर बैठे ही थे कि कोई उनके स्टडी रूम के डोर को नोक करता है। हर्षवर्धन जी उसको अंदर आने का कहते हैं। हर्षवर्धन जी के स्टडी रूम में एंटर करने वाली और कोई नहीं बाली अनाया ही थी। वो अपने डैड के सामने की चेयर पर जाके बैठ जाती है। अनाया के डैड जब उसको देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, प्रिंसेस आप यहाँ कुछ काम था क्या? अनाया अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड मुझे पता है आप बेहद कुछ जानना चाहते हैं, पर मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती। मैं सही टाइम आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी के लिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आपके पास राजावत कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी प्रपोजल या दोस्ती का हाथ आए तो प्लीज आप उसको हाँ मत कहना। अनाया के राजावत कॉरपोरेशन के बारे में ऐसी बातें कहने पर उसके डैड उसकी तरफ अपनी सवाल भरी नजरों से देखते हैं, जैसे वो जानना चाहते हो कि आखिर बात क्या है। अनाया उनकी आंखों में सवाल समझकर उनसे आगे कहती है, डैड मैं आपसे इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक राजावत कॉरपोरेशन बाहर से दिखने पर जितना आपको पावरफुल और फाइनेंशियली अच्छा दिख रहा है वैसे कुछ भी नहीं, बल्कि बात तो ये है कि कुछ ही महीनों में राजावत कॉरपोरेशन दिवालिया होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप इनके साथ कोई भी डील या दोस्ती न करें। डैड आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अनाया की पूरी बातें सुनने के बाद उससे कहते हैं, प्रिंसेस मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है। मैं कोई भी डील राजावत कॉरपोरेशन के साथ नहीं करूंगी। अच्छा हुआ प्रिंसेस तुमने मुझे इस बारे में बता दिया, नहीं तो मैं राजावत कॉरपोरेशन के साथ डील साइन करने वाला था, पर अब मैं उस डील को नहीं करूंगा। प्रिंसेस ये सब काम की बातें हैं, पर प्रिंसेस हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे से कभी भी अपने आप को किसी भी खतरे में नहीं डालेंगी। अपने डैड की बात सुनकर अनाया उनसे कहती है, ओके डैड। अनाया के डैड भी जानते थे अनाया अभी उनको उस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। वो जानते थे अनाया अच्छे से, जानती थी ये सब किसने किया, इसके पीछे कौन है, पर वो किसी कारण से उनको ये नहीं बता रही है। तो वो अपनी बेटी से इस बारे में कुछ नहीं पूछते क्योंकि उनको पता था जब सही समय आ जाएगा तब उनकी ये लड़की बेटी सबसे पहले उनको ही आके बताएंगी। और वैसे भी वो खोजबीन कर ही रहे थे कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। थोड़ी देर ऐसी ही बातें करने के बाद अनाया वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद अनाया के डैड फिर से किसी सोच में गुम हो जाते हैं। उनको अनाया के बाती से ये लगने लगता है कि हो ना हो इस हादसे में कई राजावत कॉरपोरेशन से जुड़े किसी इंसान का हाथ ना हो, और उनकी ये सोच कुछ हद तक सही भी थी। रात के 12 बजे मित्तल मेंशन। सभी अपने अपने कमरे में सोए थे, अनाया भी अपने रूम में सोई थी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी तभी उसके रूम में कोई एंटर करता है। वैसे उसने अपना रूम सोने से पहले अच्छी तरह से लॉक किया था, फिर भी कोई उसके रूम में डुप्लीकेट की का इस्तेमाल करके एंटर करता है। रूम में एंटर करके वो ईशान फिर से डोर बंद कर देता है। उसकी नजर बेड पर आराम से सो रही अनाया पर पड़ जाती है जो कि किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। वो सोते वक्त बेहद ही मासूम और साथ में प्यारी लग रही थी। जो इंसान उसके रूम में आया था उसकी नजर उसके ऊपर ठहर सी गई। उसके कदम कब उसके बेड की तरफ बढ़ गए इस बात का पता उसको भी नहीं पता चला। अनाया के रूम की खिड़की ओपन थी जिससे आ रही हवा की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिस वजह से
वो कसमसा जाती है जब इस इंसान की नजर उसके बालों की तरफ जाती है जिससे उसको दिक्कत हो रही थी। तो वो इंसान अपने हाथ उसके तरफ बढ़ा था है, वो बस उसको हाथ लगाने ही वाला था कि उसके हाथ किसी ने पकड़ लिया। अनाया के रूम में आते हुए इंसान जब अनाया के बाल उसके चेहरे पर से हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, तब कोई उसका हाथ पकड़ता है। वो जब अपने हाथ किसी ने पकड़ा हुआ देखता है तो उसकी नजर अपने हाथ पर पकड़े हुए इंसान पर जाती है, को और कोई नहीं बल्कि अनाया ही होती है। अनाया को अपना हाथ पकड़ते देख एक पल के लिए तो वो इंसान डर ही जाता है, उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, पर वो अपने चेहरे पर से कुछ भी शो होने नहीं देता। अनाया तभी जग गई थी जब उसको किसी के चोरी छुपे अपने कमरे में आने की आहट हो गई थी। उसकी नींद बेहद कच्ची थी, उसने 6 साल की उम्र से कड़ी ट्रेनिंग ली थी जिस अगर वो नींद में होने के बावजूद अपने आसपास की हर एक हलचल को महसूस कर सकती थी। वो तभी जग गई थी जब कोई चुपके से उसके रूम में एंटर करता है, फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती। वो देखना चाहती थी उसके रूम में आने वाला इंसान के इरादे क्या है, वो क्या करने आया है, और जब उसके हाथ अपने करीब महसूस करी है तो वो उसका हाथ खुद हो छू पता उससे पहले ही पकड़ लेती है और अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखती है। अनाया के मुंह से अनायास ही निकल जाता है अयान। जी हाँ, अनाया के रूम में जो चोरी छुपे आया था वो और कोई नहीं अयान सिंघानिया ही था। उसको देखते ही अनाया बेड पर उठकर बैठ जाती। अयान भी अनाया को जगा हुआ देख उसके बेड के सामने की सोफे पे जाके बैठ जाता है। अनाया उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैंने तो डोर अंदर से लॉक किया था, तो तुम रूम में कैसे आए? अयान उसके सवाल पर उसको कोई जवाब नहीं देता, वो बस एक तक उसकी तरफ देख रहा था। अनाया जो काफी देर से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, पर जब वो देखती है कि वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, बस एक तक उसको ही देख रहा है और उसको कोई मूड नहीं दिख रहा है उसके पूछे हुए सवाल का जवाब देने का, तो वो चीर जाती है। वो अपनी आवाज तेज करके कहती है, मिस्टर अयान सिंघानिया, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ। इतना कहकर वो बेड से उठकर उसको डोर की तरफ इशारा करती है। वो जब देखती है कि अयान का कोई मूड नहीं है वहां से उठने का, तो वो सोफे के पास जाके उसका हाथ पकड़कर उसको उठने लगती है, पर अयान अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। वो उससे कुछ कहती उससे पहले ही अयान जिस हाथ से अनाया उसको उठने की कोशिश कर रही थी, वो वैसे ही उसको एक जाती से अपनी तरफ करके अपनी गोद में बिठा लेता है और उसको अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर उसको टाइट हग करके उसके बालों में अपना चेहरा घुसा देता है और उसके बालों से अति हुई खुशबू को महसूस कर लगता है जिसे से उसको सुकून मिल रहा था। अनाया तो उसके ऐसे अचानक अपने गोद में बिठाकर टाइट हग करके उसका चेहरा उसके शोल्डर पर रखने से एक पल के लिए शोक में ही चली गई। ये सब इतने जल्दी हो गया कि उसको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, पर जब उसको इस बात का आभास हो गया कि वो इस वक्त अयान की गोद में है और वो उसको टाइट हग किया हुआ है, वो अयान की ओर उसकी पिशन देख के अयान को जल्दी से अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। अयान उसका खुद से दूर जाने की कोशिश करता देख उसको और टाइटली हग कर लेता है। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। अनाया को ऐसा लग रहा था अगर वो जरा भी हिली या अयान ने उसको और जोर से हग किया तो उसकी हड्डियां ही टूट जाएगी। वो जब देखती है कि अयान का उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है तो वो खुद को उसके बाहों में आजाद छोड़ देती है। अयान जब अनाया को अब खुद से दूर करने की कोशिश न करता देखता है तो वो उसके ऊपर से अपनी पकड़ थोड़ी सी सेल करता है, पर उसको छोड़ता नहीं। वो अनाया के शोल्डर पर अपने होंठ फिराने लगता है। उसके ऐसे करते ही अनाया अंदर से सिहर जाती है। उसकी दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है जिसे अयान भी महसूस कर पा रहा था, जिस महसूस करके उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अयान उसको परेशान करने के लिए ऐसे ही उसके शोल्डर पर अपने होंठ फिरता है और उसके शोल्डर और कान पर बैठ
किसेस करने लगता है। अयान अनाया के कान में किस करते करते उस पर बीते कर देता है, जिससे अनाया की हल्की सी आह निकल जाती है। अनाया को अयान का खुद के पास आना, इस तरह उसको हग करना और किस करने से बुरा फील नहीं होता, उसको अच्छा लगता है। ऐसा उसको क्यों लग रहा है, ये उसके खुद को समझ नहीं आ रहा था। वो क्या अयान को खुद से दूर नहीं कर रही थी, वो इतनी पावरफुल तो थी कि अयान को अपने से दूर कर उसकी गुस्ताखी की अच्छी से सजा दे सके, पर वो ये सब नहीं करना चाहती थी। अयान अनाया के कान के पास किस करके उससे अपनी हस्की वॉइस में कहता है, बेबी आई मिस यू, तुम मुझको छोड़ कर क्यों चली आई। अनाया जब अयान की आवाज सुनती है और वो जो कह रहा है वो उसे समझने की कोशिश करती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अयान उससे क्या कह रहा है। वो उससे मिली ही जब थी जो उसे छोड़कर आई, वो बेहद कंफ्यूज हो गई थी। वो अयान से अलग होकर उसके फेस की तरफ देखकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम तो कल ही पहली बार मिले थे ना, तो फिर मैं तुमको छोड़कर चली गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अयान अनाया की बातें सुनी है तो उसको समझ आता है, अनाया को वो याद ही नहीं, पर इस पर वो उससे कुछ नहीं कहता। उसका अनाया का यू उससे दूर होना ओएसन नहीं आता, तो वो फिर से उसका अपने बाहों में टाइट पकड़ लेता है। उसके ऐसे करते ही अनाया उससे कहती है, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, इतना टाइट क्यों पकड़ा है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना, तुम सच बोलेंगे या नहीं, इसलिए थोड़ा अपनी पकड़ ढीली करो। अयान श्रेया की बात सुनकर उसकी खुद से दूर नहीं करता, बल्कि उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर वो खुद थोड़ा झुक जाता है, जिससे दोनों का चेहरा सामने सामने आ जाता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, अब बोलो तुम क्या कह रही थी। अनाया खुद को अच्छे से अयान की बाहों में एडजस्ट करके उसके हैंडसम चेहरे की तरफ देखकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं तुमको छोड़कर आई हूँ, मैं तो पहले तुमसे कभी मिली ही नहीं, हम तो कल ही मिले हैं ना। अनाया की पूरी बात सुनने के बाद अयान उसके माथे पर किस करके उससे कुछ ऐसा कहता है, जिससे अनाया की आंखें नम हो जाती है और वो हैरान भी हो जाती है। अयान अनाया से कहता है, बेबी तुमको याद है 3 साल पहले तुम लंदन गई थी, वहां पर तुमको किसी ने बचाया था और तुमने उससे एक वादा किया था, याद है बेबी तुमको। अयान की बात सुनकर अनाया पास्ट कई चली जाती है। फ्लैशबैक, 3 साल पहले अनाया 12 साल की थी, तब वो अपने मामू के साथ लंदन में किसी काम से गई थी। अनाया को हमेशा बुरे सपने आते थे जिससे वो ठीक से सो नहीं पाती थी, उन सोनी के डर से वो सोने की कोशिश ही नहीं करती थी, जिसके चलते उसको नींद न आने की बीमारी हो गई थी। अनाया अपने मामू के बेहद करीब थी, वो एक आर्मी ऑफिसर थे जिसके चलते वो ज्यादातर अपनी फैमिली से दूर ही रहते थे, उनने शादी नहीं की थी। वो अनाया से बेहद प्यार करते थे, आखिर उनकी बहन की आखिरी निशानी जो थी, वो जब भी छुट्टी पर आते थे तो अनाया को अपने साथ ले जाते थे। इस बात से मित्तल मेंशन में किसी को भी कोई ऐतराज नहीं था। वैसे भी 5 साल में जो हादसा अनाया के साथ हुआ था उससे वो अपने परिवार से दूर चली गई थी, उसी के साथ वो काफी चुप चुप हो गई थी। अपने मामू के आने के बाद ही वो थोड़ा खुश होती थी, जिससे मित्तल मेंशन में सब उसको कुछ देखना चाहते थे, इसलिए उनको उसके मामू के आने के बाद उनके घर पर जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। इस बार जब उसके मामू आए थे तब उनको उसके नींद न आने की विनती के बारे में पता चला और उनको पहले से ही उसको आने वाले बुरे सपने के बारे में पता था, उन्होंने जिसके चलते उसको बेहद से डॉक्टरों को दिखाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अब जब उनको उसकी नींद न आने की बीमारी के बारे में पता चला तब वो और भी परेशान हो गए थे। उनने इस बारे में अपने फ्रेंड्स से कॉन्सल्ट किया तो उनकी पता चला डॉक्टर नील, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट थे, अगर वो उनके पास अनाया को लेके जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर उसके लिए उनको लंदन जाना पड़ेगा। अनाया के मामू अनाया के शहद के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे, इसलिए वो लंदन जाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अगले दिन लंदन जाने के लिए निकल गए थे। अनाया को डैड को उनने बस अनाया को
अपने साथ बाहर घूमने ले जा रहा हूँ, इतना ही बताया था अनाया को। डैड को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। अगर उनकी प्रिंसेस खुश है तो उनको क्या ही ऐतराज हो सकता था, और उनको अनाया के मामू पर पूरा यकीन था कि वो उनकी प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगले दिन अनाया अपने मामू के साथ लंदन चली गई थी। वहां जाने के बाद अगले दिन वो लोग डॉक्टर नील से मिलते हैं। वो अनाया से कुछ बातें करते हैं। वो उसकी असल परेशानी क्या है उस बारे में जानना चाहते थे। अनाया का इलाज डॉक्टर नील ने स्टार कर दिया, जिसका रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा था, जिसे देख के अनाया के मामू बेहद खुश थे। तभी हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात उससे 3 साल बड़े एक लड़के से होती है, जिसमें अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, पर उसकी वो नीली आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थे। पर उसके आसपास का ओरा किसी को भी उसके पास आने की परमिशन नहीं देता था। अयान भी अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर नील से मिलने आया था, तभी वहां पर अनाया की मुलाकात उससे हो गई थी। अयान ने उस वक्त उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, पर अगले दिन हॉस्पिटल के सामने वाले रोड पर अनाया रास्ता क्रॉस कर रही थी। उसका ध्यान ही नहीं था, उसके साइड एक कार तेजी से आ रही थी। उसका ध्यान उस कार पर तब चला गया जब वो कार उसके बेहद पास आ गई थी, और वो आधे रास्ते में खड़ी थी। कार को अपने इतने पास देख वो अपनी जाग और जड़ हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या करे। अनाया के मामू जब ये देखते हैं तो वो उसको आवाज देते, जल्दी से उसके तरफ बढ़ते हैं, पर वो उसके पास पहुंच पाते या कार अनाया को हिट करती उससे पहले ही। अयान जब अनाया के पास अति कार को देखता है जो कभी भी उसको हिट कर सकती है, तो वो किसी भी चीज की चिंता किया बिना उसकी तरफ दौड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो दोनों ही सड़क के दूसरे साइड गिर जाते हैं। अनाया अयान के ऊपर गिरी थी, जिस वजह से उसको कोई चोट नहीं आई थी, पर अयान अनाया को बचाते बचाते घायल हो गया था। अनाया जब अपने होश में आती है तो वो जल्दी से अयान के ऊपर उठकर वो ठीक है कि नहीं पूछती है। उसकी आंखों में अयान की चोट देखकर पानी आने लगता है। अयान जब किसी अनजान लड़की को खुद के लिए आंसू बहाता देखता है तो पहली बार उसके दिल में कुछ हुआ जिसे वो समझ ही नहीं पाया। वो उसको ऐसे बीच रास्ते में बिना कार देखे चलने के लिए डकना चाहता था, पर उसको रोता देख वो कुछ कह नहीं पाया। वो जब ध्यान से उसका चेहरा देखता है तो उसको वो बेहद प्यारी लगती है। वो अपनी जाग से उठकर उसके आंसू पोंछकर उसको शांत करने लगता है। उससे कहता है, ये बेबी रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया उसको अपनी आंखें छोटी करके देखती है, जिसे देखकर अयान एक नज़र उसकी तरफ देखकर गिर अपनी चोटों को देखकर कहता है, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। उसके ये कहने के बाद अनाया शांत हो जाती है। अयान उससे कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अनाया के मामू आकर उसको चेक करने लगते हैं, वो ठीक है कि नहीं। जब उनको तसल्ली होती कि वो एकदम ठीक है तो वो राहत की सांस लेते हैं। तभी उनके कान में अनाया की आवाज आती है, को कि उनसे कह रही थी, मामू मैं ठीक हूँ, उनको देखो, इन्होंने मुझे बचाया, इनको कितनी चोट लगी है। तब कहीं जाके उनका ध्यान अयान पर चला जाता है। वो उसको देख अनाया को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। वो उसको डॉक्टर के पास चलने को कहते हैं ताकि उसके चोटों का इलाज हो। अयान उनको मना करने वाला था, पर अनाया जो उसकी तरफ ही देख रही थी और अपनी आंखों से ही डॉक्टर के पास चलने को कह रही थी, तो वो उनको माना ना कर पाया और उनके साथ हॉस्पिटल चलकर अपनी चोटों का इलाज करवाता है। अगले दिन फिर से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तब अयान को अनाया के नींद ना आने की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता, जो कि उसको भी थी, इसलिए वो अच्छे से समझ सकता था। वो अनाया को उसके प्रॉब्लम से ओवरकम होने में मदद करता है। अनाया को अयान का साथ अच्छा लगने लगता है और उसकी नींद ना आने की बीमारी भी अब लगभग ठीक ही हो गई थी। अनाया ऐसे ही एक दिन अपना इलाज करके बाहर वेटिंग एरिया में बैठी थी, क्योंकि उसके मामू डॉक्टर नील से कुछ बातें कर रहे थे। आज अयान नहीं आया था, इसलिए वो उदास थी। वो ऐसे ही वेटिंग एरिया में बैठी थी, तभी पास के रूम में से उसे किसी की आवाज आती है, तो वो उस तरफ चली जाती है। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो वहां जाके
देखती है तो हॉस्पिटल के नर्स की यूनिफॉर्म में एक लेडी थी जो किसी लड़के के साथ किसी बात पर लड़ रही थी, जो कि शायद इसका बॉयफ्रेंड था। उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था। वो लड़का भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था। दोनों बेहद धीमी आवाज में बात कर रहे थे, पर अनाया सुन लेती है और किसी के रोने की आवाज से उस तरफ चली जाती है। वो लड़की रो रही थी, तभी वो लड़का इस लड़की से कुछ कहता है जिससे वो रोते रोते शांत हो जाती है और उस लड़के के गले लग जाती है। अनाया जान उन लोगों को ऐसे देखती है तो उसको अयान की याद आती है। आज वो उसको बेहद याद कर रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या डर बैठ गया था। अगले दिन जब अयान हॉस्पिटल आयो की ट्रीटमेंट चल ही रही थी, ट्रीटमेंट के बाद वो दोनों हॉस्पिटल रूम में बैठे, तभी अनाया उसके पास बैठकर उससे कहती है, दोस्त तुमको मैं कैसी लगती हूँ। उसके उस सवाल पर अयान पहले तो हैरान हो जाता है, गिर उससे कहता है, अच्छी लगती हो, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। अनाया बिना उसके सवाल का उसको कोई जवाब दिए बिना ही उससे कहती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर अयान उससे कहता है, ये कैसा सवाल है। अनाया कहती है, आप जवाब दो ना। अयान उसके मासूम और क्यूट चेहरे को देखकर कहता है, नहीं। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उससे कहते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। उसके उस सवाल पर अयान तो पहले शोक ही हो जाता है, फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, बेबी आप इसलिए अभी बेहद छोटी है, पड़े पर ध्यान दो इन सब बातों पर नहीं। पर अनाया उसकी बात मानती ही नहीं, वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। उसने अपना चेहरा ऐसा कर दिया था कि वो बस अभी रो देगी और अयान को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो उससे हाँ कहता है, पर मेरी की शर्त है, बेबी अगर मंजूर है तो बोलो। जिस पर अनाया बिना उसकी शर्त सुनकर उससे हाँ कहती है। अयान उससे कहता है, पर बेबी पहली मेरी शर्त तो सुन तो लो। तो अनाया उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर उसको अपनी शर्त पूछती है। तो अयान उससे कहता है, बेबी अगर एक बार आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर आप अपने कदम पीछे नहीं हट सकती और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्रोमिस करो। अयान की शर्त सुनकर अनाया बिना कुछ सोचे समझे उसका हाँ कह देती है। दोनों बेहद खुश थे। अयान को भी अनाया पसंद आने लगी थी। अनाया ने अयान से प्रोमिस तो कर लिया था, पर वो उसको निभा नहीं पाई। उसके मामू को ड्यूटी ज्वाइन करने का कॉल आ गया था। अब अनाया भी रिकवर हो गई थी, इसलिए अब वो अगले दिन ही वहां से जाने वाले थे। जब अनाया को इस बारे में पता चलता है तो वो एनसाड हो जाती है। उसके पास जो अयान का नो था वो उस पर कॉल करती है, पर वो कॉल ही नहीं उठाता। अयान उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। अनाया उसको 20 से ज्यादा कॉल करती है, पर वो उठता ही नहीं, जिससे वो बेहद सैड हो जाती है। थोड़ी हो देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। वो एक और बार उसको कॉल करती है। इस बार वो उसका कॉल उठाता है, पर फ्लाइट अटेंडेंट उसको अपना मोबाइल ऑफ करने को कहती है, जिससे दोनों की बात ही नहीं होती। अनाया अपने मामू के साथ इंडिया आ चुकी थी। उसका मोबाइल भी टूट गया, जिस वजह से वो फिर अयान से बात ही नहीं कर पाई। उसके मामू भी इंडिया आने के बाद उसको मित्तल मेंशन छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए चले गए सरहद पर, देश की सेवा करने। अनाया को ढेर सारी हिदायतें देकर अयान ने अनाया को कांटेक्ट करने की बेहद कोशिश की, पर उसका अनाया से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। डॉक्टर मिलने उसको बस इतना बताया था कि वो इंडिया से, बाकी का उनको भी कुछ न पता था। अयान अनाया के जाने के बाद बेहद उदास रहने लगा था। उसको खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। जब उसके बेबी ने उसको इतने सारे कॉल किए, तब उसने उठाया होता तो ये सब नहीं होता, और वो उठता भी तो कैसे, फोन जो अपन केबिन में भूलकर गया था। अनाया जब वो सब याद कर रही थी, तभी उसको अयान की आवाज वापस प्रेजेंट में के आती है। अयान जो कब से अनाया को देख रहा था, जो कि किसी ख्याल में गुम है, वो उसको वापस लाने के लिए उससे कहता है, क्या हुआ बेबी, आप किस सोच में इतना गुम हो गई हो, अब आपको मैं याद आया। अनाया उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों को छोटा करके उससे कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर कि तुम अयान हो। मैंने तो अयान का चेहरा भी नहीं देखा था।
अयान उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, बेबी जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो? अब ये नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे पहचान गई हो, नहीं तो तुम इसे मेरी गोद में मेरी बाहों में नहीं होती। अयान की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो अयान को टाइट हग करके कहती है, आई एम सॉरी आयु, मामू को ड्यूटी ज्वाइन करने का कॉल आया था तो हमको वहां से निकलना पड़ा। मुझे जब पता चला तो मैंने आपको कॉल किया पर आपने उठाया ही नहीं, और जब उठाया तो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी इसलिए मुझको कॉल कट कर पड़ा। मेरा फोन भी टूट गया, उसके बाद आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, आप जल्दी क्यों नहीं आए इतनी देर? क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ सकती थी, पर आप तो आ सकते थे ना। ये बोलकर अनाया उसके गले लगकर सपने लगी। जब अयान को अनाया के रोने का एहसास हुआ तो उसने उसको अपने से अलग करके उसके आंसू साफ किया और उसको रोने से मना कर दिया। अयान उससे कहता है, बेबी मुझे जब डॉक्टर नील से पता चला कि आप इंडिया चली गई तब उसके 1 वीक बाद आपको ढूंढने इंडिया आया था, पर मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए हम पिछले 3 साल से एक ही शहर में इतने पास होने के बाद भी मिल नहीं पाए। पर अब ये सब छोड़ो, अब से मैं तुमको मुझसे दूर ही नहीं जाने दूंगा। अयान की बात सुनकर अनाया भी उसको टाइट हग करके कहती है, मैं आपको अब कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। अनाया की बात सुनकर अयान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते है 3 साल में अपनी अपनी लाइफ में क्या क्या हुआ एक दूसरे को बता रहे थे। दूसरी तरफ विक्रांत राजावत इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसने अपने रूम में रखी हर एक चीज को आप गुस्से के चलते तोड़ दिया था, पर उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको अपने प्लान के फेल होने से बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ में उसने अपने बेहद सारे आदमियों को भी को दिया था, उसका 1 नहीं बल्कि 2 प्लान फेल हुए थे। आज तक उसने जिस भी काम में अपना हाथ डाला था वो कामयाब हो हुआ था, पर पहली बार उसको मुंह की बाल कहानी पड़ रही थी। विक्रांत राजावत को एक बात समझ नहीं आ रही थी, ऐसा कौन सी पावर है हर्षवर्धन मित्तल के पीछे जिससे वो उसके दूसरे वार से बच गया। अब तक विक्रांत राजावत को ये तो पता चल चुका था हर्षवर्धन को जिसने भी बचाया था वो बेहद पावरफुल था, उसने उसके आदमियों को चोपर से ठोका था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। विक्रांत राजावत जैसे इस बारे में सोच रहा था उसी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अब तक अपने रूम कबाड़ा बना दिया था, वो और कुछ तोड़ पता या अपने रूम में बचे हुए चीज पर गुस्सा उतरता। उससे पहले ही उसका असिस्टेंट रूम में आके उससे कुछ कहता है, जाए सुनकर उसके हाथ जो अपने हाथ लगे फ्लावर पॉट की तरफ बाद रहे थे वो अपनी जगह पर रुक जाती है। वो जल्दी से अपनी रूम से बाहर चला जाता है, विला के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।